ओके सर स्टार्ट। गुड मॉर्निंग कैडेट्स, आज हमारा एनसीसी ट्रेनिंग का पहला लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 महामारी के कारण एनसीसी की क्लासेस फिजिकली नहीं हो पाएंगी, इसलिए जब तक कॉलेज नहीं खुलते आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। आज हमारी एनसीसी की पहली क्लास है जिसमें हम एनसीसी के बेसिक से शुरू करेंगे। सभी कैडेट स्लाइड को साथ साथ नोट करते रहें। नंबर एक चैप्टर, एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स, साथ बटन नोट करें, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय से राष्ट्र और कैडेट से होता है ट्रेनिंग लेने वाला युवा, और कोर से होता है दल या संगठन। नेक्स्ट स्लाइड, मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी का आदर्श वाक्य यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हिंदी में एकता और अनुशासन, इसे नोट कर लें, यूनिटी एंड डिसिप्लिन और एकता और अनुशासन। इसके आगे कार्डिनल्स ऑफ एनसीसी डिसिप्लिन, इसे भी नोट कर लें सारे बच्चे, अनुशासन की विशेषताएं, हिंदी में नोट करेंगे, हिंदी में बोलेंगे, अनुशासन की विशेषताएं। नंबर एक, ओबे विद स्माइल, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करें। आपको कोई भी ऑर्डर मिलता है उसे मुस्कुराते हुए उसे पूरा करें। नेक्स्ट है नंबर टू, बी पंचुअल, समय के पाबंद रहो, समय के पाबंद रहो। नंबर तीन, वर्क हार्ड विदाउट फस, निसंकोच कठोर परिश्रम करो, निसंकोच कठोर परिश्रम करो। नंबर चार, मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाइज, बहाने मत बनाओ एवं झूठ मत बोलो। ये बेटा आपने थी अनुशासन की विशेषताएं। नेक्स्ट स्लाइड, एम्स ऑफ एनसीसी, एम्स ऑफ एनसीसी के अंदर है नंबर एक, देश के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, साहसिक कार्य की भावना और निस्वार्थ सेवा की भावना का विकास करना। सभी कैडेट्स इसे नोट कर लेंगे, देश के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, साहसिक कार्य की भावना और निस्वार्थ सेवा की भावना का विकास करना, नोट हो गया। नंबर दो, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के मानव संसाधन बनाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए और हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए उपलब्ध रहें। नोट कर लो सारे बच्चे इसको, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के मानव संसाधन बनाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए और हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए उपलब्ध रहें। नेक्स्ट एम नंबर तीन, सशस्त्र सेना में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, आपको फौज के अंदर भेजने के लिए तैयार करना, इसको नोट कर लो, सशस्त्र सेना में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, एनसीसी का इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1917 तक, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश फौज में सैनिकों की कमी होने के कारण
महसूस किया गया कि ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यूसी की स्थापना की गई। यूसी का पहला ट्रुप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को स्थापित किया गया। 1920 में यूसी का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यानी कि यूटीसी ने ले लिया। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर रखा गया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूओटीसी। 1946 तक इसकी देश में कुल 18 यूनिट थी। अब नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूओटीसी अपने उद्देश्य में विफल रही। इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। 16 जुलाई 1948 को 1948 के एनसीसी नियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कोर कैडेट की स्थापना हुई। इसको यदि आपने नोट कर लिया ठीक है, नहीं तो आपको इसकी पिक सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट, एनसीसी फ्लैग, एनसीसी का झंडा। एनसीसी एक अंत सेवा संगठन है, इसलिए इसका झंडा 3 रंग की 3 समान खड़ी पट्टियों में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहले लाल रंग की पट्टी, बीच में गहरे नीले रंग की पट्टी व आखिर में आसमानी रंग की पट्टी होती है, जो कि सेना, नौसेना व वायुसेना की प्रतीक हैं। झंडे के बीच में 17 पत्तियां बनी हुई हैं। ये अपने टोटल इंडिया के डायरेक्टरेट यानी के निदेशालयों की प्रतीक हैं और इनके बीच में एनसीसी लिखा होता है। ये था बेटा अपना झंडा। इसके बाद लोगो, लोगो के अंदर लोगो की ये शेप होती है और डायरेक्टरेट की पत्तियां बनी होती है 17, बीच में एनसीसी लिखा होता है और लास्ट में इसके अंत में नीचे लिखा होता है अपना एनसीसी का आदर्श वाक्य, मोटो, एकता और अनुशासन। हाँ जी, इसके बाद जैसे अपने झंडे के अंदर और मोटो के अंदर पत्तियां बनी होती है 17 निदेशालयों की डायरेक्टरेट की, उसी तरीके से अपने कौन इंडिया के अंदर टोटल कितने डायरेक्टरेट हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, ये सारे बच्चे नोट करेंगे, आपको एक एक करके बताया जाएगा। लिस्ट ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट्स की, नंबर 1 आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसका हेडक्वार्टर है बेटा सिकंदराबाद। नंबर 2 नोट कर लिया, नंबर 1 आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, हेडक्वार्टर सिकंदराबाद। नंबर 2 बिहार एंड झारखंड, हेडक्वार्टर पटना के अंदर है। नंबर 3 दिल्ली, दिल्ली का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर ही है। नंबर 4 गुजरात, गुजरात का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद के अंदर। नंबर 5 जम्मू एंड कश्मीर, इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर के अंदर। कर्नाटका एंड गोवा, इसका हेडक्वार्टर है बंगलौर के अंदर। नंबर 7 केरला एंड लक्षद्वीप, इसका जो है तिरुवनंतपुरम। और नंबर 8 महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नंबर 9 मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इसका हेडक्वार्टर भोपाल के अंदर है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसे NER भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग के अंदर। ये नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट, नंबर 11 उड़ीसा, उसका हेडक्वार्टर कटक
नंबर 12 के अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़, इन सभी का इकट्ठा एक डायरेक्टरेट है और इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ के अंदर। राजस्थान, राजस्थान का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो है जयपुर के अंदर। तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। उत्तराखंड का हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर। उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। नंबर 17 है वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। एनसीसी सॉन्ग, एनसीसी का ऑफिशियल सॉन्ग कदम मिला के चल को 1963 में अपनाया गया था, जिसे बाद में अक्टूबर 1982 में बदलकर हम सब भारतीय कर दिया, जिसे सुदर्शन फकीर जी ने लिखा था। इस सॉन्ग को सभी कैडेट्स अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और सभी कैडेट्स को सॉन्ग पूरा याद होना चाहिए। आज की क्लास बस यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।